आज की इस वीडियो में दोस्तों हम टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग के बारे में जानने वाले हैं, जो कि गूगल एड्स में होती है। तो दोस्तों टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, कहाँ है, ऑप्शन होते हैं, वो हम सब जानने वाले हैं। तो दोस्तों टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग ये होती है कि मान लो आपको कोई बॉडी बिल्डिंग चैनल, ठीक है, तो आप उसमें ऐसे इंटरेस्ट को या ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो जो कि टारगेटेड हो। जैसे मान लो बॉडी बिल्डिंग का चैनल है, ठीक है, तो फिटनेस, हेल्थ, ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो जिससे कि दोस्तों आपके ऑडियंस जो है टारगेटेड ऑडियंस के पास आपकी ऐड जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे मान लो किसी को ब्लॉगिंग का है, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगर है, तो ट्रैवल ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो किसी का मोटिवेशनल से रिलेटेड है, तो बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें जिसमें कि आपकी जो ऑडियंस जिसको आप टारगेट कर रहे हो उनका इंटरेस्ट उसमें हो। तो ऐसे टॉपिक कहाँ पे होते हैं और ये टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग कहाँ पे होती है, सब कुछ जानने वाले हैं दोस्तों, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। तो दोस्तों हम जानेंगे अब टॉपिक बेस्ड रिसर्च कैसे होती है, सब कुछ इसके बारे में। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो भैया। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप जब कैंपेन बनाते हो, दोस्तों कैंपेन बनाना इसको नहीं आता, मेरी इस वीडियो को देख लेना जाके, मैंने इस पर सिखाया हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप कैंपेन कैसे बनाते हो और इसके बारे में हर चीज़ मैंने डिटेल में समझाई हुई है। तो इसको कैंपेन बनाने नहीं आता, वो वीडियो देख लेना। तो दोस्तों जैसे हम टारगेटिंग वाले ऑप्शन तरफ आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे रहता है टॉपिक्स, ठीक है, कीवर्ड बेस भी सिखा चुका हूँ मैं इस वीडियो पे जो स्क्रीन पर देख रहा हो, प्लेसमेंट में टारगेटिंग भी सिखा दिया हूँ मैंने इस वीडियो पे, इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों टॉपिक बेस अब टारगेटिंग हम सीखेंगे। तो इसमें क्या है दोस्तों कि गूगल आपको बहुत सारे टॉपिक अपने तरफ से दे देता है, आप उनको चुन सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लो किसी का फिटनेस चैनल है, चलो मान लो, ठीक है, तो उसका हेल्थ वाला चैनल है मान लो, ठीक है, हेल्थ एंड फिटनेस, तो इसमें वो आ सकता है और अपने रिलेटेड जो उसको लग रहा कि मेरे जो ऑडियंस है उसको किस किस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा वो सिलेक्ट कर सकता है। जैसे मेंस हेल्थ है ना, तो इस तरीके से वो अपने रिलेटेड जो भी है उन टॉपिक को सिलेक्ट कर सकता है, जिससे कि दोस्तों उनका जो जो टॉपिक को वो टारगेट करेगा उनके उन लोगों के पास उसकी ऐड जाएगी, ठीक है। जैसे कि मान लो आप दोस्तों किसी का फाइनेंस वाला है ना, पैसे से रिलेटेड, तो मान लो फाइनेंस वाला है उसका चैनल है, तो वो फाइनेंस पे क्लिक करेगा, और जैसे फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, इन्वेस्टिंग है ना, जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसा किसी का चैनल है तो वो ऐसे टॉपिक को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। कुल मिला के दोस्तों आपको ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो कि आपके जो व्यूवर्स है वो देखते होंगे। जैसे मान लो दोस्तों किसी का गेमिंग चैनल है तो गेमिंग पे आ जाएगा, ठीक है, वीडियो गेम्स है ना, गेम्स वाले से रिलेटेड जो इंटरेस्ट उसको लग रहा है यहाँ पे टॉपिक्स उसको सिलेक्ट कर सकता है। किसी का बिजनेस है, मार्केटिंग का चैनल है किसी का मान लो, ठीक है, तो वो आएगा यहाँ पे, ये देखो ये मार्केटिंग का चैनल है तो इसको सेलेक्ट कर सकता है, बिजनेस, एजुकेशन, फाइनेंस है ना, बिजनेस सर्विस। इस तरीके से दोस्तों आपको वो टॉपिक यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं जिससे कि आपकी वीडियो रिलेटेड हो, ठीक है। अभी मैंने कोई टॉपिक सिलेक्ट नहीं करा, वो आपको सिर्फ दिखाने हैं और समझाने के लिए। तो टॉपिक वाला यहाँ पे होता है ऑप्शन, और इस पर आपको वो टॉपिक सिलेक्ट करने होते हैं जो कि आपके व्यूअर देखते होंगे, ठीक है, जिन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप देखते होंगे या फिर आपने जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाई उन टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि दोस्तों इस टॉपिक पे जो वीडियो देखते हैं उन लोगों के पास आपकी ऐड जाएगी और वो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ये सब करना होता है टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप टॉपिक बेस्ड टारगेटिंग क्या होती है सब कुछ समझ गए होंगे इसके बारे में। पर दोस्तों अभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो दोस्तों। और यदि आपको गूगल एड से अपनी यूट्यूब वीडियोस को प्रमोट कराना है मेरे माध्यम से तो दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप करके भी हेल्प ले सकते हो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।